अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मवेशी ऑनलाइन और मैं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। और हमेशा हम आपको दिखाते हैं कैटल फार्म्स की ज़िंदगी, यहाँ पर जो लोग जिस तरह से जानवरों का ख्याल रखते हैं, कौन कौन सी नस्ल के जानवर होते हैं, बड़े खूबसूरत जानवर यहाँ मेरे अकब में मौजूद हैं। और मुनव्वर आप दिखाते जाएँ जानवरों को, बड़ा खूबसूरत एक माहौल होता है, एक अलग ही दुनिया होती है। यहाँ पर हम आपको इस पूरे आर के अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से इनकी जो है वो देखभाल की जाती है, कौन कौन से जानवर होते हैं, उनको क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है। इसमें तकलीफ़ भी बड़ी होती है, कभी लात पड़ जाती है, कभी प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी चलता है। लेकिन हमेशा हमने ये देखा कि जानवरों से जब मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो बिल्कुल नो रिस्पांस आता है। जैसे बकरे को हमने देखा तो वो भी बिल्कुल नो लिफ्ट का साइन बोर्ड लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों का भी यहां पर रश है। आज हमने देखा कि जमे गफीर आवाम का, उनसे भी आपकी बात कराएंगे और जानवर भी दिखाएंगे। बड़े खूबसूरत जानवर है और ये बड़ा खूबसूरत एक बछड़ा बैठा हुआ है, इसको बैठा ही रहने दिया जाए। आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ के जो ओनर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि इन जानवरों की क्या खासियत है और इतने खूबसूरत होने की वजह क्या है, और इनके जो इतने तवील कदो कामत के ये जानवर हैं तो इनको क्या डाइट दी जाती है कि ये इतने ज्यादा तवील कदो कामत के हो जाते हैं। आइए जी मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया टंकी कैटल फार्म पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खूबसूरत किस्म के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं और मेरे साथ फरहान फारूकी साहब मौजूद हैं। फरहान साहब, बड़ा माशाल्लाह आपके पास एक अच्छा स्टॉक है जानवरों का, मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर। बड़े तवील कदो कामत जानवर हैं, क्या आप कहना चाहेंगे सबसे पहले कि ये कब आगाज़ किया टंकी कैटल फार्म का? ये हमारा फर्स्ट ईयर है इधर, बस एक शौक शौक में हमने करा, हमको तो कुछ भी नहीं पता था बस बारे में, अल्लाह पाक ने करवा दिया शौक, ये शौक पूरा हो गया हमारा। ठीक है, शौक पूरा हो रहा है, शौक का कोई बहुत आसान करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, कुर्बानी को भी आसान करना चाह रहे हैं, शौक का कोई मोल नहीं होता नाजरीन। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से यहाँ पर जानवर मौजूद हैं और कितनी नस्ल के जानवर मौजूद हैं, उनको कितने अरसे से रखा गया है। आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में इस वक्त जानवर मौजूद हैं? अभी मिनिमम इधर हैं, पहले मैक्सिमम थे 80, अब रह गए हमारे पास 55। अच्छा, बाकी सारे सेल आउट हो गए? बाकी सेल आउट हो गए माशाल्लाह। लोगों का रिस्पांस अच्छा है, आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? रिस्पांस आ रहा है, ईच एंड एवरीडे आदमी आ रहे हैं इधर। अच्छा जी, चले जी नाज़रीन आपको मैं दिखाता हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर के कौन कौन से यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, जो जो नस्ल के जानवर मौजूद हैं, वो भी हम आवाम को दिखाएं ताकि लोग टंकी कैटल फार्म का विजिट करेंगे तो उनको पहले से पता हो कि इस जानवर का ये नाम रखा हुआ है और इस जानवर को आकर हमने खरीदना। तो चले जी। जी चले। जी मोहतरमा, क्या हाल है आपके? मोहतरमा ने नो लिफ्ट का साइन बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। फरहान भाई, मैं ज़रा जानना चाहूँगा आपके, ये बड़ी खूबसूरत बछड़ी है, कौन सी नस्ल की है, कितने अरसे से आपके पास है? ये चोलिस्तानी है, ये हमारे पास 1.5 साल से है। अच्छा, तो ये चोलिस्तानी की खासियत क्या होती है? देखें, ये गुलाबी होती है और आँखों में शमा है, इसकी नाफ जालर होती है। आप इनका सीना देखें, इसको हमने 5-5 लीटर दूध पिलाया है, मक्खन खिलाया है, घी खिलाया है, पूरे साल इस पे मेहनत करी है तो ये आज इस वजूद पे आ गई है और ये दांतों में 2 है। अच्छा, तो इसको कितने अरसे से लेकर पाल रहे हैं या फिर खरीदा है इसको? ये हमारे को 1.5 ईयर्स हो गया इसको पालते पालते। ठीक है, तो तंग तो नहीं करती है, शरारती तो नहीं है? जी ये, आप इसको रस्सी छोड़ दें आपके पीछे पीछे चलेगी। अच्छा नाज़िर, बड़ी खूबसूरत ये जो है वो बछड़ी है और आप अगर इसको देखें तो इसकी खूबसूरत देखें जी, लगता है मोहतरमा को इंटरव्यू देना है। मोहतरमा, आपने इंटरव्यू देना है? इनका इंटरव्यू बाद में लेंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है इसको डाइट में क्या चीज़ें दी जाती हैं, खाने में जो वंडा कहलाता है वो क्या क्या चीज़ें देते हैं? वंडा में दलिया है, छिलका है, चने गट्टी है, इसमें सरसों का तेल है, ये चीज़ हम देते हैं इसको। गर्मी और सर्दी की डाइट अलग होती है? असल में मौसम सिमिलर होती है, एक आइटम इसमें से चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये चोलिस्तानी ब्रीड है तो यहाँ कराची के मौसम में सही रहते हैं या डिस्टर्ब करते हैं? इधर पलता है, उधर पंजाब में भी पलता है। पंजाब वाले बोलते हैं कराची का पानी सबसे बेस्ट है। पंजाब वाले यहाँ 6 महीने पहले आते हैं अपने माल लेकर, इधर जब मंडी में इनको ले जाना होता है यहीं इनको ग्रोथ करवाते हैं इसकी, फिर ले जाते हैं मंडी में। अच्छा जी, ये बड़ी मुझे पसंद आई है। इस क्या नाम है आपका? नाम बता नहीं रही है, हम पूछ लेते हैं इसके ओनर से पूछ लेते हैं, कोई नाम रखा है आपने इसका? इसका नाम रानी है। रानी, रानी इंटरव्यू देना है तुमने? रानी को देखते हैं राजा मिलता है कि नहीं मिलता है, रानी को दोबारा ले जाइए अपने साथ और आगे बढ़ेंगे। बड़े खूबसूरत किस्म के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। आइए फरहान साहब, और भी कुछ नस्ल के जो जानवर आपने मुझे बताए वो भी हम दिखाना चाहते हैं लोगों को।
नाज़रीन, बफलो का जिक्र तो आपने सुना होगा और इस कैटल फार्म के अंदर ये खूबसूरत बफलो जिसको पाड़ा कहते हैं ये मौजूद है। और मुझे ये बताया कि इसकी खासियत ये बिल्कुल नहीं मारता, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। हम खुद भी टेस्ट कर लेते हैं। ये जनाब बड़े मासूम और शर्मीले भी हैं, बिल्कुल मुंह फेर लिया है। तो जनाब जानना ये चाहूँगा कि ये जो है वो कौन सी नस्ल है और इसकी खासियत क्या है? ये इंग्लिश और देसी नस्ल में क्रॉस है। ये पिंक नोज में है और ये अल्बिनो आइस है इसके अंदर। और ये हमने 3 साल से पाल रहे हैं इसको। 3 साल से पाल रहे हैं जनाब को, 3 साल से पाला जा रहा है। जनाब बिल्कुल तफरी और मस्ती के मूड में है। इसकी आंखों का ज़रा क्लोजअप लें, देखें ज़रा कितना खूबसूरत इसकी आंखों का जो एक कलर है, बड़ा खूबसूरत कलर है ये। जी जनाब, तो इसको खाने में क्या चीज़ें दी जाती हैं, वनडे में क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसकी? ये इनके साथ घी है, मक्खन है, दूध है, ये हर चीज़ खाता है, जो आप डालेंगे खा जाएगा। अच्छा, ये बेस्ट टू बेस्ट है, ये हैवी 3 दांत का। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? ये असल में ये क्रॉस में है, ये देसी और विलायती का क्रॉस है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 सालों से? 3 साल से है ये। 3 साल में तंग तो नहीं करता जैसे बफलो का एक मिजाज होता है, मारता है, टक्कर मारता है, तंग करता है? कुछ नहीं करता, ये तो सामने आपको चाटना शुरू कर देगा, मेरे को तो चाटता है, जब तक मैं नहीं आता ना ये खाना भी नहीं खाता कभी। और इस कैटल फार्म के, टंकी कैटल फार्म के अंदर ये फेवरेट है आपका? ये बहुत फेवरेट है हमारा। तो जनाब का नाम क्या रखा आपने? यार इसका नाम हमने बादशाह रखा है। बादशाह, बादशाह साहब, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत को देख रहे हैं आप। बादशाह सलामत बिल्कुल मस्ती नहीं करते, तो मैं यूं खड़ा हो सकता हूं, मुनव्वर ख्याल रखिएगा। तो इसके बारे में मैं ज़रा और जानना चाहूँगा, आवाम पसंद करती है, लेके जाते हैं कुर्बानी के लिए? जहाँ लेके जाते हैं, हम भी काटते हैं, आवाम भी काटती है। आप इसका ट्रेड आ गया, एक ज़माने में इसको कोई पसंद नहीं करते थे, आज एक ज़माना ऐसा आ गया सब इसको पसंद करना शुरू। अच्छा, इससे लोगों को थोड़ा सा डर रहता था कि ये मारते हैं, टक्कर मारते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, लेकिन नाज़रीन आप देखें बिल्कुल एग्रेसिव ये नहीं है और इस वजह से आवाम में ट्रेंड आ गया है कि पसंद करते हैं। असल में पहले आवाम को इतना पता नहीं था इसके बीफ का, अब इसका बीफ सबसे बेस्ट बीफ है। तो दुनिया डॉक्टर्स बोलते हैं कि बीफ खाओ तो बफलो का खाओ और दूध पियो तो गाय का पियो। अच्छा जी, चलें जी आगे बढ़ेंगे। बफलो बादशाह साहब, बादशाह सलामत, मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे रानी भी खड़ी हुई है और आप बादशाह सलामत है। आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके बड़े खूबसूरत नाम है। वेट इसका है, मीट वेट 18 मन। 18 मन का है ये माशाल्लाह से, और ये 36 मन लाइफ है। 36 मन इसकी लाइफ है, 18 मन इसका वेट है। और नाज़िर आगे बढ़ते हैं, बड़े खूबसूरत जानवर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और इसी तरह बड़े मासूम से जानवर हैं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो बड़ी शरारत करते हैं, उछल कूद करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए जी मेरे साथ। नाज़रीन माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत ये बछड़ा है, इसका नाम मुझे बताया गया बादल। और अगर आप इसकी हाइट देखें और इसकी जिसामत देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये इस टंकी कैटल फार्म की शान है और बड़ी ऊंची शान है माशाल्लाह से इनकी। और फरहान भाई, ये जानना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत आपके पास ये बछड़ा है और इस बछड़े के हवाले से थोड़ी सी मैं डिटेल चाहूँगा। इतनी बड़ी तवील कदोकामत के लिए बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बछड़े का, बड़ा उसको जो है ना लाड से रखना पड़ता है, नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो इसकी खासियत भी जानना चाहूँगा लेकिन पहले इसकी नस्ल जानना चाहूंगा, ये कौन सी ब्रीड है? ये चोलिस्तानी ब्रीड है। ये चोलिस्तानी और चोलिस्तानी ब्रीड है। अच्छा। इसमें तो कोई क्रॉस नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है ये। और आपने खुद पाला है इसको? हाँ, हमने इसको पाला 1 साल। ये जिस मालिक से हमने लिया था उसने बोला मैंने इसकी खिदमत नहीं करी, आप इसकी खिदमत करना। क्या बात है, तो आप कितने अरसे से इसकी खिदमत कर रहे हैं? 1 साल से इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो जब लिया था 1 साल पहले तो इतनी ही हाइट थी या ये अभी इसने उठान पड़ी है? बहुत हल्का था, हमने इसको खिला खिला के इतना बड़ा कर दिया। ऐसा क्या खिला दिया जो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया? ये 10-10 लीटर दूध पीता है एवरी डे नॉन स्टॉप, अभी भी पीता है। अच्छा, दूध इसकी फेवरेट खुराक है, गजा है? हर इंसान की खुराक है दूध है, पहलवान भी पिएगा तो वो पहलवान बन। लेकिन इसकी पसंदीदा है? इसकी तो पसंदीदा है, इसको जरूरत नहीं है मुंह में डालने की, खुद पी जाता है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके पास बड़े तवील कदो कामत के जो है वो बछड़े मौजूद हैं और ये बादल तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ। नाज़रीन देखें, इनकी एक खासियत ये भी है, हम बहुत सारे कैटल फार्म जाते हैं तो वहाँ पर कहीं पर हमें बछड़े तंग करते हैं, कहीं पर मुँह बना लेते हैं, ये सारे बड़े बड़े एग्रेसिव जो होते हैं बछड़े, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये बड़े मासूम बछड़े हैं कि मैं अगर इनसे बात भी करूँ, इनको प्यार भी करूँ, इनके साथ भी खड़ा हो जाऊँ, गले गर्दन से जो है वो गला सर लगा के भी खड़ा हो जाऊँ, कोई तंग नहीं करते हैं ये। बादल साहब कैसे हैं आप? बादल साहब आप लगता है बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बड़ी आपकी अच्छी बॉडी बनी हुई है, मुझे भी आप थोड़ी टिप्स देते हैं।
बादल साहब बिल्कुल मूड में नहीं है टिप्स देने के, मुझे खुद करनी पड़ी है एक्सरसाइज। लेकिन बादल साहब ने जो एक्सरसाइज की है उसके बारे में मैं इनके मालिक से पूछ लेता हूँ। ये बादल साहब ने क्या ऐसी एक्सरसाइज की है कि जो माशाल्लाह से ये सब में अलग ही नज़र आ रहे हैं? ये डेली इनकी इसकी मसाज होती है और ये डेली इसको दूध दही तेल ये दिया जाता है इसको। अच्छा, गर्मी में और सर्दी के अंदर बड़ा जो है वो जानवर डिस्टर्ब रहता है। क्या करते हैं कि हम लोग खल नहीं देते, हम इसको सरसों का तेल पिलाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे वो क्या जहर बात नहीं होता, टॉक्सिन नहीं आता बॉडी के अंदर, तो हम उसको नहीं देते। अच्छा, कोई खास बात अगर शेयर करना चाहे कैटल फार्मर से या अपने नाजरीन से जो यहाँ पर आना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं, इनकी डाइट के अंदर ऐसी कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो सबसे ज्यादा इनकी उठान और इनकी तवील कदोकामत पर असरअंदाज होती है? देखें, अगर आप इसको जानवर को आप बच्चे से पालोगे, जैसे आप अपने बच्चों को पालते हो ऐसे आप इसको पालोगे तो पल जाएगा। और ये इसकी डाइट कुछ नहीं है, बस को मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। तो जब आप कैटल फार्म आते हैं, टंकी कैटल फार्म, और सबसे पहला कदम रखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा बछड़ा या बछड़ी है जिससे इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत हो, जिसको बड़े लाड से पाला हो, सबसे पहले उसके पास जाते हैं? सबसे पहले मैं बफलो के पास जाता हूँ। बफलो के पास जाते हैं, तो बफलो आपका सबसे फेवरेट है? फेवरेट है। और मैंने देखा बफलो आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अटैच है और मानूस भी है, चिपक रहा था, जबान निकाल के जो है वो फिर रहा था, ये तमाम चीज़ें कर रहा था, बिल्कुल तंग नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करता, सामने हाथ चाटता है, मेरे बच्चों की भी चाटता है, मेरे भी चाटता है। क्या बात है जी, बादल साहब के पीछे आगे हम इस वक्त खड़े हैं और बादल साहब जो है ना वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। बादल साहब मुझे ज़रा थोड़ी सी टिप्स दे दें, जो आपने बॉडी शॉडी बनाई हुई है, पता चला है 10-15 लीटर इधर आता है ना मंडी में तो स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा, घबराहट होती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, जिसको देखो बोलता है खोलो खोलो खोलो, तो खोलने खोलने जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा जी, जानवर थोड़ा सा घबरा जाता है लोगों से। बादल साहब कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया 10-15 लीटर आप दूध पी जाते हैं, तो इस महंगाई में अगर मैं भी 10-15 लीटर दूध पीऊँ तो शायद ऐसी तवील कदोकामत हो जाए, और अगर ना हो तो कुछ ना कुछ तो असर हो जाएगा। बादल साहब मैं जा रहा हूँ वक्फे की तरफ, आपने जब तक मुझसे गपशप करनी है, मेरी आपसे दोस्ती तो हो गई है लेकिन आपके नखरे जो है ना वो नहीं ख़त्म हो रहे। खैर नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो और भी यहाँ पर खूबसूरत और थोड़े से चुलबुले जानवर हैं वो आपको दिखाऊंगा मैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फ़ख्रे कराची जो है इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है। फ़ख्र साहब हैं और ये कराची का फ़ख्र हैं, और बड़ी तवील इनकी कदोकामत है, इनका वेट भी जो है वो कोई 43 बताया जा रहा है, और ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। हसनैन मेरे साथ मौजूद है। हसनैन, ये जानना चाहूँगा इस कैटल फार्म की ज़रा सी हिस्ट्री तो बताओ, टंकी कैटल फार्म क्या सोच के इसका आगाज़ किया? लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, बचपन में हम देखते थे कि हम गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते थे, जानवर उतर रहे होते थे, और सिर्फ ये हमारा मोटिव होता था देखना कि ये शोर मचाएगा, ये तहलका मचाएगा या नहीं मचाएगा। जो बड़े खामोश होते थे हम कहते थे यार इसने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भी ऐसा शौक था? बिल्कुल, मेरा ऐसा ही हमारा शौक था, और आपको पता है कि कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है और कराची शौक के नाम से जाना जाता है। तो जो शौकीन होता है वो मेरे ख्याल है बचपन से ही जो है वो शौक को करता हुआ आ रहा होता है, और स्टार्ट यही होता है कि हम मंडी जाया करते थे, पहले मंडी से जानवर परचेज किया करते थे, मोहल्ले वालों के साथ जाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल ये इनिशिएट लिया है, टंकी कैटल फार्म जो है हमने लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया है, और पिछले साल हमने जानवर परचेज किए, उसकी पलाई करी, और मल्टीपल तमाम नस्लों के हमारे पास जानवर मौजूद हैं यहाँ पर। और जैसा कि आपने देखा है कि माशाल्लाह हमारे पास बिल्कुल भरपूर हर नस्ल के अंदर जानवर मौजूद हैं, और तमाम हमने एक साल से जानवर पाले हुए। यूजली लोग क्या करते हैं, सीज़न
से 2-4 महीने पहले जानवर परचेज करते हैं और उसके बाद वो अपना ये शुरू करते हैं। लेकिन हमारा ये शौक है, सारे हमारे जो है फार्म के पले हुए जानवर हैं और माशाल्लाह आप तमाम जानवर देख सकते हैं। आपने देखा है 43 मंथ्स का माशाल्लाह ये जो है वही मैं देखकर हैरान, माशाल्लाह से फखरे कराची इसका नाम है। फखरे कराची इसका नाम, इसका नाम की खासियत क्या है, मतलब सबसे बड़ा ये कदम है क्या? सबसे बड़ा है और नस्ल इसकी स्लैगर नस्ल है जो कि बड़ी यूनिक नस्ल है। ये तमाम फार्मरों पे है, तमाम जगहों पे। आप एक काम करो ना हसन, तुम इधर आके खड़े हो ताकि मैं चाहता हूँ तुम फखरे कराची को बड़े अच्छे से नाज़रीन आप देखें। और ये कराची का फखर है और 43 मन इसका माशाल्लाह से जो है वो वजन है। कौन सी नस्ल है ये? स्लैगर नस्ल है। स्लैगर ये कहाँ की ब्रीड है? ये बाहर की ब्रीड है। ये बाहर की ब्रीड है, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये है कि माशाल्लाह से आप देख लें कि इस वजूद के अंदर जानवर हमारे पास मल्टीपल और भी खड़े हैं, लेकिन इस वजूद के अंदर आपको वाहिद जानवर नजर आएगा और अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है। इंशाल्लाह इस साल हम जानवर ये रोकेंगे, अगले साल भी लेके जाएंगे और अगले साल ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे कराची का सबसे बड़ा तरीन जानवर होगा। इसके मुकाबले का कोई भी नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे कराची। कितना वजन एक्सपेक्टेड है कि इसका हो जाएगा? अभी 43 मन है। अभी आप देख लें इसके 43 मन है इसका, तो ये अगले साल कहाँ पे लेके जाता है? क्योंकि हम लोग देखें, आप हर फार्म पे जाएंगे, हर जगह के ऊपर जाएंगे, पंजाब में तमाम जगहों पे जाएंगे, वो कहेंगे दूध मक्खन ये सब चीज़ें। हम जेन्युइनली ये चीज़ें देते हैं, दूध मक्खन और तमाम चीज़ें जो है ना इनको दी जाती, घी दिया जाता है। और ये मैं पूरे कराची को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हमारे फार्म के ऊपर आए, विजिट करें, आके आपके सामने हम देंगे। अच्छा जी, हसनैन ने दावा किया है कि ये कराची का सबसे बड़ा जानवर होगा अगले साल। आए जी आए मुनव्वर, हम दिखाएंगे कि क्या खासियत है इसकी और इसमें अभी कितनी गुंजाइश है। ये होता है, मुनव्वर जरा सा जूम करें तो मैं दिखाना चाहूंगा। हसनैन मुझे जरा बताओ ये कैसे पता चलता है, ये चीज गुंजाइश होती है? ये देखें दो चीज होती है। सबसे पहले देखें जानवर का जो है ना वो पाया देखा जाता है, पैर देखा जाता है कितना वजूद उठा सकता है हर जानवर के अंदर। देखें कैपेसिटी, अच्छा इसके पैर बड़े वजनी है, तो आप ये देखें कि इसके माशाल्लाह पैर जो है कितने माशाल्लाह इसके पाए वजन के अंदर और कितना वजन ये उठा सकता है। दूसरी चीज आप हर जानवर के अंदर देखेंगे इस तरह से जो है चमड़े से पता लगता है कि कितनी गुंजाइश है जानवर के अंदर, ठीक है। दूसरी आई जी आई मुनव्वर ये दिखाएं जरा, क्लोजअप करें, ये देखें ये इसके अंदर ये गुंजाइश कहलाती है। और अभी 43 मन इसका वजन है और ये दावा किया जा रहा है फखरे कराची के हवाले से कि ये इसका वजन इतना हो सकता है कि कराची का सबसे बड़ा बछड़ा हो। और क्या बताना चाहोगे, और कैसे पता चलता है कि जानवर में और गुंजाइश मौजूद है? जानवर की सबसे पहले देखी जाती है नस्ल, ठीक है, नस्ल के बाद उसकी जो है पॉइंट्स देखे जाते हैं। माशाल्लाह ये फुल पॉइंट्स के अंदर जाते हैं। स्लाइगर नस्ल इसी तरह बढ़ती है? इसी तरीके से बढ़ती है, लेकिन देखें पलाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने जानवर को क्या वंडा दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हसन, मुझे तुम ऐसा लग रहा है देखकर कि तुम्हें बड़ी इन चीजों के बारे में नॉलेज है। वनडे के हवाले से खास बात मशहूर है कि सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग डाइट होती है, तो अभी जिस तरह से गर्म मौसम है, मानसून का ये मौसम है, सीजन है, तो इस फखरे कराची को डाइट में क्या दे रहे हो? देखें हम इसको सर्दियों के अंदर घी चलता है, गर्मियों के अंदर दूध चलता है, मक्खन चलता है, हर महीने कोई ना कोई चीज़ जो है एडिशन होती है। जिस तरह से सर्दियों में ऐसा घी चल रहा था, उसके बाद ये मक्खन पे आया, दूध पे आया, तमाम चीज़ें हम लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर देते हैं। ये भी नहीं कि हम गैप दे रहे हैं एक हफ्ता दो हफ्ते या एक महीने बाद, हर महीने कोई ना कोई चीज़ हम इनको जानवरों को दे रहे होते हैं। ये जानवर बिल्कुल हमने उस तरीके से पाले हैं जिस तरीके से घर में एक बच्चे को पाला जाता है। अच्छा तुम खुद भी इनका ख्याल रखते हो या सिर्फ स्टाफ को रखा हुआ, उनको इंस्ट्रक्शन देते हो कि इसको इतना दूध पिलाना है, इतना जो है वो इसको वंडा देना है, इतनी सारी चीज़ें इसके साथ करनी है? सबसे पहले तो बताता चलूँ कि टंकी कैटल फार्म की पूरी टीम, माशाल्लाह ये लड़के जवान जितने भी हमारे वर्कर्स हैं और जो ये काम कर रहे हैं इनके एफर्ट्स हैं। और दूसरी बात देखें हमें गाइड करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, जाके हम गाइड करते हैं, समझाते हैं कि यार इसको इस तरीके से देखो, ये सारी चीज़ें करो, फिर मेडिकेशन होती है इनकी, फिर वैक्सीन होती हैं। चले जी इसके इधर दीजिए, फखरे कराची से बात कर लेते थोड़ी सी। और ये कराची का फखर है माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत जानवर है। फखर साहब कराची के फखर है, देख रहे हैं तिरछी तिरछी नजरों से लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? ऐसा क्या है जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे? कोई आवाज ही निकाल दें? आवाज भी नहीं निकाल रहे जनाब। लेकिन हसनैन मैंने देखा जानवर के अंदर एक सलाहियत होती है, एक हिस होती है कि वो अपने मालिक को पहचानता है। जब वो परेशान होता है तो इजहार करता है, जब वो खुश होता है तो उस चीज़ का भी इजहार करता है। जब गर्मी के मौसम में ये थोड़ा सा धूप से गर्मी की शिद्दत से परेशान होते हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं कि तुम्हें पता चल जाता है? देखिए ये बड़े आपने टेक्निकल सवाल किया है, जानवर को कोई भी पेन है या कोई भी तकलीफ है ना तो उसकी आँख बताती है, वो जो आंसू जो होते हैं उसकी आंखों के अंदर वो उसका तकलीफ होती है और वो बताती है, वो उससे फिर हम कैच करते हैं और उससे हम जो है फिर डॉक्टर को बुला के तमाम उसका ट्रीटमेंट और चेकअप करवाते हैं कि क्या ऐसी जानवर के अंदर पेट में कोई मसला चल रहा है, कोई और उसको चोट लगी हुई है या कोई इंटरनल कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जानवर के अंदर। वो तमाम वैक्सीनेशन होती है इनकी और तमाम चीज़ें होती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब जानवरों का हर महीने हमारा होता है। अच्छा डॉक्टर्स के हवाले से बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, वैक्सीनेटेड हैं सारे जानवर, वैक्सीन लगती नज़र आ रही हैं इनको और मुकम्मल चेकअप भी होता है, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आजकल लंपी स्किन की
बीमारी थी वो बड़ा एक बड़ा मसला था सिंध के अंदर भी, पंजाब में भी कुछ जगहों पर मौजूद है, सिंध में इसको कवर कर लिया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस टंकी कैटल फार्म में किसी जानवर को बीमारी हुई हो या पहले ही वैक्सीनेटेड थे? देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सबसे पहले तो ये चीज़ भी बताता चलूँ कि ये जो लंपी की जो वैक्सीन है ये कराची के अंदर टंकी कैटल फार्म लेकर आया है पहली बात तो, ठीक है। और हमारे माशाल्लाह से तमाम जानवर, मतलब ये वैक्सीन आपके पास सबसे पहले मौजूद थी? पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी और तमाम लोगों को भी हमने प्रोवाइड करी है और तमाम जानवर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वैक्सीनेटेड है। और खुदा ना खास्ता अगर हमारा जानवर कोई कुर्बानी के लिए घर लेके जाता है और ये प्रॉब्लम आता है तो हम खड़े हुए यहाँ पे। चले जी, फखरे कराची का तो आपने देखा कि कितना खूबसूरत ये जानवर है। एक और खूबसूरत जानवर है, थोड़ा सा चुलबुला है, थोड़ा सा जो है वो शरारती है, उसको भी दिखाते हैं आपको। हाँ जी नाजीन, एक और खूबसूरत यहाँ पे जानवर मौजूद है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे जो है वो लिफ्ट कराएंगी और इनके बारे में जानेंगे। हसन, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत कलर है यार, ये कौन सी नस्ल है? ये चोलिस्तानी गुलाबी है। चोलिस्तानी गुलाबी आप देखें, इसकी नोज़ देखें, इसके पेंग हैं, इसके पैर देखें, नीचे से जो इसके खोर हैं ये भी पेंग हैं। और ये माशाल्लाह जो है इसका नाम है बुराक और ये हमारे फार्म का समझे ये लाडला न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उस तरीके से ये अब तक है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं ये प्यार करने वाला बच्चा है कि इसको हम लोगों ने अपने फार्म के अंदर खुला छोड़ा हुआ है। अच्छा, कितने दांत का? ये चार दांत का। चार दांत का माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है और ये गुलाबी, और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत आप देख सकते हैं कि इसको बच्चा भी एक चला सकता है। अच्छा, ठीक है। और मतलब ये दो साल का बच्चा, तीन साल का बच्चा जो है ना हम इसको इसके पास छोड़ देते हैं और ये जो है ना उनके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, प्यार कर रहा है खुद जो है ना। आप ये देखें ये माशाल्लाह से कोई जानवर इस तरीके से खड़ा नहीं होता और आप ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि हमने कोई जानवर बीच में जो है बछड़ा खड़ा किया। इतने अच्छा जी नाजरीन, आपने देखा कि बुराक को वैसे है बड़ा मासूम, बुराक देखे फिर से वापस आ गया। बुराक ने ये कहा, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसा जानवर दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही मंचला है और बहुत ही जो है वो नटखट है, थोड़ा सा शरारती भी है, तो ये शरारते करता है। हसन, ये ऐसी शरारते करते कभी कभी खाना खाते हुए भाग जाता है? ये कभी कभी करता है क्योंकि लाड प्यार में पला हुआ जानवर, मस्तियाँ करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस ये खेलेगा कूदेगा। अब यहाँ पर बेसिकली हम जहाँ पे हमारा इस वक्त लगा हुआ जमीन में सोसाइटी के अंदर, तो आपको पता है थोड़ा सा परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो रहा था जानवर, तो ये इस वक्त परेशान हुए। इतने सारे लोग फार्म पे हमारे होते नहीं है, एक बंदा यूजली एक बंदे की शक्ल देखता है ये और वो इसको जो है वंडा। लेकिन ये है बड़ा प्यारा मासूम सा और जिस तरह से ये भागा है ना, तो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये अटेंशन सीकर है। इसने कहा कि यार मैं सारी अटेंशन जो नाजीन आप इस वक्त देख रहे हैं और इसको जो देख रहे हैं खासतौर पर, इसने कहा बस मैं होना चाहिए शो के अंदर। तो ये आज के शो की जान भी है बुराक। बिल्कुल ऐसा, ये जान है, ये हमारी भी जान है, हमारे कैटल फार्म की भी जान है। तुम्हारे साथ ही मस्तियाँ करता है? ये सबके साथ करता है, बस खेलना मांगता है कि मुझे आप टाइम दें और मेरे साथ खेलें, सिक्योर है बेसिकली। अच्छा जी, ये वक्त मांग रहा है, चले जी आप जाके खेले मस्ती करें, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। और भी कुछ जानवर है, खूबसूरत जानवर है, उनको भी आपको दिखाते हैं। आइए जी मेरे साथ यहाँ पर देखें, ये एक और खूबसूरत सा ये जानवर मौजूद है। हसन, इसके बारे में बताओ ये कौन सा जानवर है? ये है इस वक्त गोल्डन नुकरा, ठीक है। और ये जानवर बहुत लाड प्यार से पाला है, बहुत लाड प्यार से पाला है। माशाल्लाह आप इस पॉइंट देखें, उसकी नाक देखें, गोल्डन नुकरा यूजली लाल नुकरे होते हैं जानवर, डार्क कलर होता है, गोल्डन नुकरे के अंदर ये जानवर है और उसको बहुत लाड प्यार से हमने पाला है। अच्छा, ये जो है हमने रखा है अनमोल। क्या नाम रखा है? अनमोल। अनमोल, ये सबसे अनमोल है? ये सबसे अनमोल है। अच्छा जी, ये सबसे अनमोल है। और ये कितने दांत का? ये दांतों में फ्रेश अभी चार हुए हैं। अच्छा, फ्रेश चार हुए, तो इस बार इसको फिर खड़ा किया कुर्बानी के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जो है कोई शौकीन लेके जाएगा और शौक वाला जो इस चीज को समझता है वो आएगा और वो लेके जाएगा। मल्टीपल लोग हमारे पास आ रहे हैं इस जानवर के लिए और शौक करके जा रहे हैं। देखिए हमारा कैटल फार्म जो है, हम तमाम लोगों को एंटरटेन करते हैं, जो शौकीन आता है उसको भी हम खोल के जानवर दिखाते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि नहीं हमने लेना नहीं है, हम देखने के लाए। लेकिन फिर भी हमारा भी शौक था, हम भी एक जमाने में जब जाया करते थे तो हमें भी होता था कि यार हम ये जानवर किसी दिन ले सकें। आज अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से मौका दिया है और हम लोगों ने सेटअप लगाया, तो हम तमाम लोगों को जो है ना एंटरटेन करते हैं यहाँ। चले जी, एक और जानवर बड़ा खूबसूरत, मुझे इस वक्त यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है जिस तरह से बुराक ने यहाँ पर टहलका मचाया है। और भी जानवर है यहाँ पर जो मस्तियां करना चाह रहे हैं, थोड़े से इनसिक्योर है कि उन्हें वक्त दिया जाए, और कैमरा और माइक देखकर उनको दिल चाह रहा है कि आके इंटरव्यू दे, जिसका इंटरव्यू नहीं हो रहा वो नाराज हो रहा। आइए जी, एक और यहाँ पर खूबसूरत जानवर है। हसनैन, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, ये भी बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत सा है, ये कौन सी ब्रीड है? ये चोलिस्तानी ब्रीड है और इसका नाम है मिकी माउस। मिकी माउस, मिकी माउस,
मिकी माउस साहब तो पीछे हट गए दो मिनट के लिए। मिकी माउस साहब थोड़े से शाही हैं, ये शाही हैं, घबराते हैं थोड़े से, ये लाड प्यार के अंदर पला है और तमाम जानवर हमारे लाड प्यार के अंदर पले हैं, घबराते हैं, यहाँ पे हर कोई आता है, जानवर को हम दिखाते हैं। अच्छा सामने सामने कैमरा है मुनव्वर, इस वक्त थोड़ा सा जूम कीजिएगा। हसन आवाम को बताओ इनको कैसे लाड प्यार से पालते हैं जो इतने खामोश हैं, मस्तियाँ भी करते हैं लेकिन एग्रेसिव नहीं है, मारते नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो माहौल है ना वो आपको देना है जानवर को, जैसे आप एक बच्चे को ट्रीट करते हैं तमाम, एक बच्चे को, एक बच्चा छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें उसकी पूरी कर रहे हैं, उसकी फीड पूरी कर रहे हैं, कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाती है, आप डॉक्टर को बुलाते हैं, तमाम ट्रीटमेंट चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो इसी तरीके से लाड प्यार के अंदर आप जानवर को जब पालेंगे और आप डेली अपनी शक्ल दिखाएंगे तो वो आपको पहचान जाएगा। अच्छा इस पूरे टंकी कैटल फार्म के अंदर मैं आखिर में ये भी जानना चाहूँगा तुमसे, तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा जानवर पसंद है? देखें मुझे तो ये टंकी कैटल फार्म के सारे जानवर हमारे हैं और सारे मेरे लिए जो है ना ही हीरा है। जनाब ये देखें इतनी मोहब्बत हो गई है कि मेरे पूरे ट्राउज़र को इन्होंने चाट के साफ कर दिया है, और ये जो जनाब है ना मिक्की माउस, इन मिक्की माउस के साथ मुझे लगता है दोस्ती हो जाएगी, और ये भी हो सकता है नाजी जैसा मैं हर कैटल फार्म के अंदर जाकर ये कहता हूँ कि कोई ना कोई डील बन जाए, अभी तक मैंने कुर्बानी का जानवर खरीदा नहीं है तो क्या पता हसन कोई डील बन सकती है अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए डील ही डील है, और आपके रेफरेंस भी जो हमारे पास आएंगे हम उनको बेहतरीन ऑफर देंगे और अकोमोडेट करेंगे। क्या बात है जी, मवेशी ऑनलाइन K21 न्यूज के जो प्रोग्राम है अगर आप इसका रेफरेंस कोड करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और यही तवील कदो कामत जानवर आपको मिल सकते हैं आसान और मुनासिब रेट्स के ऊपर। हसन आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक आवाम का रिस्पांस कैसा है? देखिए रिस्पांस बहुत अच्छा है, आ रहे हैं यहाँ पे लोग, और तमाम हालात को जो आप इस वक्त देख रहे हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए लोग आ रहे हैं यहाँ पे और बाइंग कर रहे हैं, जानवर ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम भी पड़ा हुआ है हमारे पास, अगर कोई जानवर परचेज करता है और फॉर एग्जाम्पल वो एक हफ्ता पहले लेके जाना चाहता है, 10 दिन पहले लेके जाना चाहता है, तो ये भी मैं वाजे कर दूँ कि उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जानवर मुझसे परचेज किया, ये ईद तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पे पलेगा। अच्छा यहाँ पलता रहेगा, बस पलता रहेगा, आपका जब दिल चाहे जानवर आप लेके जा सकते हैं, आपसे कोई कैश नहीं लिया जाएगा। क्या बात है नाजीन, इससे ज्यादा खूबसूरत ऑफर क्या होगी। हसन बहुत शुक्रिया, ये मुझे दे दो, मैं मिकी माउस से दोस्ती करना चाह रहा हूँ, और हो सकता है कि मिकी माउस की मेरी डील जो है वो आसान हो जाए। चलें जी मिकी माउस, चलें जी आ जाए मेरे साथ, अगर ये ना मारे मुझे और ये चलना चाहें मेरे साथ। नाजीन इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त, और मिक्की माउस के साथ, बल्कि मुझे और मिक्की माउस को दीजिए इजाज़त। मुझे लगता है कि डील इस बार फाइनल हो ही जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, अगले कैटल फार्म के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि वहाँ किस तरह के खूबसूरत खूबसूरत जानवर होते हैं। ये टंकी कैटल फार्म से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।